मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी परेशान हाल इंसान की मदद करे, अल्लाह ताला उसके लिए 73 मगफिरतें लिखेगा, जिनमें से एक मगफिरत तो उसके तमाम कामों की इस्लाह के लिए काफी है और 72 क़यामत के दिन उसके लिए दर्जात बन जाएंगे। तब से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिवीजन 160 में मेयर बल्दिया के हाथों सीसी सड़क और ड्रेन के कामों का आगाज। उन्होंने कहा कि एमएलए के टाउन से तरक्याती काम तेज रफ्तारी से जारी है और शहर को जल्द ही खूबसूरत बनाया जाएगा। D54 किनाल से पानी की निकासी एक संगीन मसला थी, इसमें मौजूदा कब्जों को बर्खास्त करवाया गया। जल्द ही रेलवे लाइन के कलवट की तौसी की जाएगी और मसले की एक सीढ़ी होगी, कमिश्नर बल्दिया का बयान। अरसापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आगाज। मेयर बल्दिया ने टीकांदोजी का जायजा लिया, कहा कि अवाम को खतरा से निजात मिलेगी और अवाम में मौजूदा खौफ और हरास का खात्मा होगा। रियासती वजीर दाखिला के हाथों ट्रैफिक पुलिस के T20 ऐप का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए अवाम की शोर बेदारी की जाएगी और ट्रैफिक कवानीन की अहमियत को उजागर किया जाएगा। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 160 में सड़क और ड्रेन की तामीर के लिए मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रफत मोहम्मद खान ने बताया कि अवाम के मुतालिबे पर ड्रेन और सड़क की तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मजीद तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा। डिवीजन 160 में आज मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों सीसी सड़क और ड्रेन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। मुकामी सीनियर इंचार्ज कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा दिगर शरीक थे। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतू किरण ने कहा कि शहर की तरक्की के लिए एमएलए भीगाला गणेश गुप्ता दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए भारी फंड्स फ्राहम कर रहे हैं। एमएलए की खुसूसी काविशों के नतीजे में शहर में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है। उन्होंने बताया कि जनरल फंड और R&D फंड से शहर में तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। डिवीजन 160 में शुरू किए जाने वाले सड़क और ड्रेन के काम गुज़िश्ता कई सालों से इल्तवा का शिकार थे। रफत मोहम्मद खान ने इन कामों की तकमील के लिए नुमाइंदगी की और फंड्स की मंजूरी अमल में लाई है। रफत मोहम्मद खान ने बताया कि अवाम का शदीद मुतालबा था, जिसकी वजह से इन कामों को अव्वलियत दी गई। जल्द ही मजीद तरक्याती काम भी अंजाम दिए जाएंगे। अपने तेलंगाना स्टेट में बहुत जोर से डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इसी के दौरान अपने निजामबाद अर्बन में भी अपने अर्बन एमएलए गणेश अन्ना जी ने बहुत कोशिश करके अच्छी तरीके से फंड्स ला रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। अपने शहर को देखे तो भी, अपने अर्बन को देखे तो भी कितना अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, सबको पता चल रहा। ये कई सालों से पेंडिंग में काम था, लोगों के सर पर हमारे निजामबाद अर्बन एमएलए साहब और मैडम मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब और कमिश्नर साहब की कोशिशों से निज़ामबाद में हर जगह काम, जहाँ भी ज़रूरी काम महसूस हो रहा विज़िट कर कर इमीडिएट लगाया जा रहा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ प्रपोजल है तो आप हमारे को बोलिए, हमारे नॉलेज में लाइए आप, हमारे या डिप्टी मेयर के या कॉरपोरेशन के नॉलेज में लाइए आप, इंशाल्लाह ज़रूर काम होगा। और ये हमारे खुशकिस्मती है कि आज निज़ामबाद को IAS ऑफिसर के हिस्से से कमिश्नर साहब को अपॉइंट किया गया और वो भी स्पॉट पे सर्वे इमीडिएट कर रहे हैं, यंग है, इसलिए हमारे काम भी बहुत जल्दी फटाफट सर्वे भी हो जा रहा और सेलेक्ट भी हो जा रहा और वो डेवलपमेंट के लिए अप्रोच भी दिया जा रहा। डिवीजन 160 में सड़क और ड्रेन के तामीरी कामों के इफ्तिताह के मौके पर कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि D54 किनाल के मसले की एक सुई की जाएगी। अवाम के टाउन से यहां कब्जे बर्खास्त किए गए थे, अब पानी के बहाव को तेज बनाने रेलवे लाइन के नीचे कलवट को चौड़ा किया जाएगा। डिवीजन 160 में मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों सड़क और ड्रेन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम पाया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि शहर में बेशुमार तरक्याती काम जारी है और आइंदा भी इन कामों का सिलसिला जारी।
जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा देरी नहल तलब मसाइल की एक्सवे की भी कोशिश की जा रही है। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि बारिश के मौके पर अहमदपुरा कॉलोनी में बारिश का पानी भारी मकदार में जमा होता है और अवाम शदीद मुश्किल से दो चार हो जाती है। डिवीजन 160 के नुमाइंदा कॉरपोरेटर रफत मोहम्मद खान इस मसले की एक्सवी के लिए कोशा है, लिहाजा इनकी कोशिशों के बाद D-54 किनाल में मौजूदा कब्जों को बर्खास्त करवाया गया। इसमें अवाम ने भी रजाकारना ताउन फ्राहम किया। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि इस किनाल की गहराई तक सफाई को यकीनी बनाया जाएगा, इसके लिए खुसूसी मशीन मंगाई गई है। कमिश्नर बल्दिया ने मजीद बताया कि अहमदपुरा कॉलोनी में पानी के जखीरे को रोकने और D-54 किनाल में पानी के बहाव को तेज बनाने के लिए इस किनाल की राह में मौजूद तमाम रुकावटों को दूर किया जाएगा। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि रेलवे लाइन के नीचे से भी ये किनाल बहती है, मगर यहाँ पर कलवट छोटा है जिसकी वजह से पानी के बहाव में बड़ी रुकावट पैदा होती है, लिहाजा इस कलवट को भी बॉक्स की शक्ल में चौड़ा किया जाएगा। इस मौके पर रफत मोहम्मद खान ने कमिश्नर के बयान का खैर मकदम किया और कहा कि केनाल की बॉक्स टाइप में तामीर से बहुत बड़े मसले की एक सुई होगी और अहमदपुरा कॉलोनी और अतराफ के इलाके की अवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही तमाम कॉर्पोरेटर्स कमिश्नर बल्दिया के साथ इस केनाल का जायजा लेकर मुस्तकिल हल के लिए काम करेंगे और यहाँ के लोगों के साथ आज जनरल फंड में और जो ऑनरेबल सीएम अश्योरेंस फंड है उसमें से रोड और ड्रेन सैंक्शन का काम जो था वो इनॉग्रेट हुआ है आज, तो बहुत खुशी की बात है। साथ ही में जैसे खान साहब ने बताया कि D-54 कैनाल उसका बहुत बड़ा इश्यू था क्योंकि उसके बाजू में कई जगह पे उसके ऊपर ही एनक्रोचमेंट्स कर दिए गए थे जिसकी वजह से चोक हो रहा था, जैम हो रही थी वो ड्रेन, तो एक्चुअली वो कैनाल है तो उसको कॉरपोरेशन ने लोकल लोगों के कोऑपरेशन के साथ, ज़बरदस्ती से नहीं, लोगों ने भी कोऑपरेशन दिया है, ये बहुत खुशी की बात है। वो स्लैब्स हटाए गए थे और उसका पूरा जो डिसिल्टेशन है वो किया गया था और अभी उसके लिए खास जो गए काउंसिल में ही एक खास मशीन मंगाई जा रही है जो छोटे ड्रेन्स को डिसिल्टिंग कराती है, तो D-54 कैनाल को मद्देनज़र रखते हुए ही उस मशीन को मंगाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है रेलवे क्रॉसिंग के जगह पे एक बहुत ही नैरो है वो एरिया जहाँ से पानी रुक जाता है, जाम हो जाता है और बैक वाटर D-54 कैनाल के पास में घरों में घुसता है, तो उसी के लिए काउंसिल ने भी रिजोल्यूशन करके सैंक्शन कर दिया है 3.6 करोड़ का बॉक्स कलवर्ट, तो ये बहुत खुशी की बात है और उसी के साथ साथ हम लोग भी उसको परस्यू कर रहे हैं। तो वर्षा काल मतलब जो बारिश के समय से पहले वो बॉक्स कलवर्ट को बिठाने की हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। कमिश्नर साहब ये बात जाहिर करें कि आपका बॉक्स टाइप में जो ड्रेन का जो प्रपोजल था वो सेंक्शन हो गया है, इंशाल्लाह एक विजिट करेंगे कॉर्पोरेटर और कमिश्नर साहब करके और काम को जल्द से जल्द कराने का उन्होंने वायदा किया। और सेंक्शन की बात अभी कमिश्नर साहब ने कहा और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कमिश्नर साहब से भी ड्रेन के तलब से बात कर लीजिए। और डिप्टी मेयर साहब, कमिश्नर साहब और हमारे वार्ड के जो है कॉर्पोरेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी देरी ना ख्वाहिश पूरी हुई। एक ज़माने से हम नुमाइंदगी कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में हो गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आइंदा भी इसी तरीके से हमारे जो मसाइल हैं उसको हल करेंगे, उम्मीद रखता हूँ। अरसापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर आज कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज मेयर बल्दिया नीतो किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया और बताया कि पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे और दूसरे मरहले में 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को ये टीका दिया जाएगा। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल भी मौजूद थे। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने आज अरसापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर में COVID-19 के वैक्सीनेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ पहला टीका यहाँ की NM इराज बेगम को दिया गया और साथ ही दिगर तिब्बी अमले से मुतालिक अफराद को भी टीके दिए गए। मेयर बल्दिया ने टीका देने के काम का मुशाहिदा किया। इस मौके पर इनके हमरा कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल, मेडिकल ऑफिसर अल्ताफ और DMH और दिगर मौजूद थे। मेयर बल्दिया ने कहा कि रोजाना 30 अफराद का निशाना मुकर्रर है जिनको टीके दिए जाएंगे। जिले में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का 16 जनवरी को रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद में इफ्तिताह अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के हुसूल के बाद कोरोना के खतरात से निजात मिलने की कवी उम्मीद है। पहले मरहले में कोरोना के खिलाफ सरगर्म जद्दोजहद करने वाले हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए जा रहे हैं, साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीके दिए जा रहे हैं। इसके बाद के मरहले में सीनियर सिटीजन्स को टीके दिए जाएंगे।
ताकि इनको कोरोना के खतरात से बचाया जा सके। मेयर बल्दिया ने वैक्सीनेशन को एक मुस्बित काम करार दिया और बताया कि रियासत भर में इस वैक्सीन को भारी मकदार में फराहम करने में रियासती हुकूमत ने अहम काम अंजाम दिया है ताकि अवाम को कोरोना से महफूज बनाया जा सके। उन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR से वैक्सीन की फराहमी पर दिली इजहार तशक्कुर किया। APCR की जानिब से लीगल एड सपोर्ट के नाम से काउंसलिंग सेंटर का ख्याम, इसमें सालिसी का रोल अंजाम देने के लिए 40 मर्द और ख्वातीन को तरबियत फराहम की गयी ताकि मुआशरे में फैले हुए फैमिली इख्तलाफात की एक सुई की कोशिश की जाए। कैसे इख्तलाफात को खत्म किया जाए, मुकर्ररीन ने तफसील से बताया। मुस्लिम माशरे में बढ़ते हुए तनाजात की एक सुई के लिए जरूरी है कि इसकी काउंसलिंग की जाए। देखा जाता है कि अक्सर मियां बीवी में तनाजात पैदा होते हैं और वो अपने मामलात को लेकर अदालत से रुजू होते हैं। इसी तरह ये मामला तवील अदालती कशाकश का शिकार हो जाता है। इसी तरह जायदादों के तनाजे भी तवील अदालती कशाकश से दो चार रहते हैं। इस दरमियान इख्तलाफात में मजीद इजाफा होता ही जाता है, लिहाजा ऐसे तनाजात की गुफ्तगू शनीद के जरिए एक सुई करवाना वक्त की अहम जरूरत है। इस सिलसिले में एक ठोस फैमिली काउंसलिंग सेंटर की जरूरत है और इन फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स पर तरबियत याफ्ता काउंसलर्स की जरूरत होती है जो बआसानी सालिसी का रोल अंजाम दे सके और मसाइल की एक सुई करवाते हुए इख्तलाफात को खत्म करवा सके। लिहाजा ऐसे तरबियत याफ्ता अफराद की शदीद जरूरत लाहक है। लिहाजा APCR की जानिब से लीगल एड एंड सपोर्ट के क्याम के लिए नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल के अहाते में एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें करीब 40 मर्द और ख्वातीन ने हिस्सा लिया। इस तरबियती इजलास से मोहम्मद अफजल, इकबाल हसन, मलिक मुतसिम खान, MN बेग जाहिद, अहमद अब्दुल अजीम और ख्वाजा नसीरुद्दीन ने खिताब करते हुए फैमिली काउंसलिंग कैसे की जाए और इख्तलाफात को कैसे दूर किया जाए और क्या हिकमत अमली अख्तियार की जाए, इस पर तवज्जो दिलाई गई। हम जो काम करेंगे कोर्ट में भी काउंसलिंग सेंटर है, उसका भी सीनियर सिविल जज जिम्मेदार होता है। लेकिन और इस बात की भी माजरत चाहता हूँ कि मुझे 4 बजे तक पहुँचना चाहिए था लेकिन वहाँ प्रोग्राम करते हुए पहुँचने में देर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह नवाबाद के लिए ये बात हमें खुशाइन है कि ये सेंटर्स के जरिए हम शहरिया ने इस्लामाबाद खूबसूरत के साथ इस बात की खिदमत करने का मौका मिलेगा। आज निज़ामाबाद में APCR की जानिब से लीगल एड एंड सपोर्ट सेंटर के नाम से एक इदारा है जिसकी क़ियाम के ज़िमन में आज की ये नशिस्त बुलाई गई थी। इसमें दरअसल शहर के 30 से 35 ऐसे लोग जो फ्यूचर में खसूसियत के साथ जो फैमिली मैटर्स होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, उन फैमिली डिस्प्यूट्स में बहसियत सालिसी के लोगों के दरमियान में मफाहिमत का काम करने के लिए उनके ट्रेनिंग के लिए आज का ये कैंप मुनक़िद किया गया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें तकरीबन ख़वातीन और मर्द हज़रात ने भी शिरकत की। कोशिश ये है कि फ़रवरी के महीने में इंशाल्लाह यहाँ पर लीगल एड एंड सपोर्ट सेंटर के उनवान से इदारा क़ायम होगा। बोधन के रकासपेट में वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर में COVID-19 के वैक्सीनेशन का आगाज, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जा रहे हैं। चेयरपर्सन बोधन बल्दिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि खौफ और हरास का शिकार अवाम को अब जबरदस्त राहत मिली है। बोधन शहर के रकासपेट में वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर में COVID-19 के वैक्सीनेशन का आगाज किया गया और इस मौके पर हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए गए। इस प्रोग्राम में RDO बोधन राजेश्वर, चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती, कमिश्नर बल्दिया रामालिंगम के अलावा बोधन के कई काउंसलर शरीक थे। इनके सामने ही हेल्थ वर्कर्स को टीके देने के प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम में चेयरपर्सन तुम पद्मावती ने खैर मकदम किया और कहा कि कोरोना के खतरात शिद्दत से मंडला रहे थे और अवाम में खौफ और हरास का माहौल था, लेकिन अब COVID-19 की वैक्सीन के आने के बाद अवाम को जबरदस्त इत्मीनान हासिल हुआ है
और खौफ व खदशात का खात्मा हुआ। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में ये वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दी जा रही है, इसके साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी ये वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद तमाम ही अफराद को वैक्सीन की फराहमी अमल में आएगी। 18 साल से कम उम्र लोगों को ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसके तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से नजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100ml, 200ml और 500ml की बोतलों में दस्तियाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तियाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड की सहूलत के साथ एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गायनेकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरिलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद वसरी तिब्बी आला से लेस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, जेड प्लस बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। फुलांग में बीटी सड़क की तामीर गुज़िश्ता कई माह से अल्तवा का शिकार है। इस सड़क को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हेल्थफेयर फॉर एन एजुकेशन सोसाइटी के जुम्मेदारान ने नदीम अहमद की क्यादत में प्रजवानी में नुमाइंदगी की और इस सड़क की फिलफोर तामीर का मुतालबा किया। मोहल्ले फुलांग की नुमाइंदा अवामी तंजीम हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से आज प्रजवानी प्रोग्राम में एक मुतालबाती मंजर पेश करते हुए फुलांग में बीटी रोड की तामीर के लिए नुमाइंदगी की गई। फुलांग के नौजवानों ने इस सोसाइटी के नायब सदर नदीम अहमद की क्यादत में जिला ज्वाइंट कलेक्टर से दरख्वास्त करते हुए बताया कि फुलांग में बीटी सड़क मंजूर शुदा है, लेकिन इस सड़क के तामीरी कामों को किसी न किसी बहाने तातुल का शिकार बनाया जा रहा है। इस तरह काफी वक्त गुजर चुका है। सड़क की अदम तामीर की वजह से अवाम को बेशुमार मसाइल का सामना है। बिलखुसूस मस्जिद के सामने इस सड़क पर पानी जमा हो रहा है, जिससे मुसलियन को शदीद तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। नदीम अहमद ने जिला अरबाब मजाज से पुरजोर मुतालबा किया कि इस मंजूर शुदा बीटी सड़क के कामों को फौरी करवाया जाए ताकि अवाम को राहत हासिल हो। प्रजावानी में हम जॉइंट कलेक्टर मैडम को दरख्वास्त दिए कि फुलांग की जानिब से हेल्थ वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से आज ये एक दरख्वास्त दिए कि हम के जो बीटी रोड सेंक्शन है डिवीज़न 46 के अंदर वो रोड को डाला नहीं जा रहा है। बार बार हम कई बार नुमाइंदगी करें कलेक्टर साहब से भी, उसकी प्रोसीडिंग भी है। इससे पहले बोले कि बारिश के पानी आता बोल के बोले बारिश के मौसम में बारिश के बाद डालते बोले, अभी तक नहीं जा रहे। लोगों को प्रॉब्लम हो रहा, वहाँ से जो डोनल है वहाँ से पानी आके मस्जिद के पास चढ़ जा रहा। मस्जिद के पास पानी आने से लोगों को परेशानी हो रही, लिहाजा हम अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि जॉइंट कलेक्टर मैडम से कि महल की नौजवान ये दरख्वास्त है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही कि रोड को सैंक्शन करके जो लोगों की परेशानी है उसको दूर किया जाए। जानकंपेट के जिला परिषद हाई स्कूल में SSC साल 1998-99 के तलबा का गेट टुगेदर प्रोग्राम। इन तलबा ने अपने असातेजा को तहनियत पेश की और अपने पुराने स्कूल को प्रोग्रामों के लिए तोहफे में स्टेज तामीर करवा कर दिया। इन तलबा ने कहा कि आज हम जो कुछ भी है इसी स्कूल के मरहूने मिन्नत है। एबली मंडल के मौजे जानकंपेट में वाक़े
जिला परिषद हाई स्कूल के साल 1998-99 के 10वीं जमात के तलबा ने स्कूल के अहाते में गेट टुगेदर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में साल 1998-99 के SSC के तलबा और उस वक्त के असातिज़ा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का इनेकाद स्कूल के अहाते में बने हुए स्टेज पर किया गया। खास बात यह है कि इस स्टेज की तामीर भी इन्हीं तलबा ने करवाई थी। तलबा ने कहा कि इस स्कूल से हमने बहुत कुछ पाया और आज हम जो कुछ भी है इसी स्कूल से हमने तरक्की हासिल की है और आज हम अपनी जानिब से स्कूल को तोहफा देना चाहते थे, लिहाजा हमने स्कूल में प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए स्टेज की तामीर करवाई है। इस मौके पर SSC के इन साबिका तलबा की जानिब से असातिज़ा को तहनियत पेश की गई। इन तलबा ने अपने तासुरात बयान किए और कहा कि इन असातिज़ा ने हमारी तरबियत की और रहनुमाई की और आज इन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए हम कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा के मुस्तकबिल के बारे में शुकूक व शुभात का इजहार किया जाता है, मगर आज हमने साबित किया है कि सरकारी स्कूलों के तलबा भी किसी से पीछे नहीं रहे। ఇప్పుడు మనం ఈ ఉన్న స్టేజ్లో బ్యాస్ అనేది చాలా మన పాఠశాలకి అందంగా కనబడుతుంది. అటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినారు, దీనికి మరి ఒకసారి మీ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీరు మీ నెక్స్ట్ ఉన్న జనరేషన్ కానీ మరి నా యొక్క చిన్న కోరిక ఏంటంటే మా అధ్యక్ష గారు చెప్పినట్టుగా ఈ పాఠశాలలో గవర్నమెంట్ పాఠశాలలో విద్యార్థులు కరువవుతున్నారు. మేము మీ బ్యాస్ మీరు కట్టించిన బ్యాస్ పైన మీ యొక్క పిల్లలు ఈ స్కూల్లో చదివి मुल्क का किसान सड़कों पर है, सड़कों पर ही खा रहा है और सड़कों पर ही सो रहा है और किसानों का मुतालबा है कि मरकजी हुकूमत मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन से दस्तबरदारी अख्तियार करे, मगर मरकजी हुकूमत किसानों के मुतालबे को नजरअंदाज कर रही है। मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ एड़पल्ली में AIKMS और दिगर जमातों का एहतजाज, वज़ीर आज़म का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। एड़पल्ली मंडल के मौज़े जमलम में AIKMS, IFTO और CPIM न्यू डेमोक्रेसी की जानिब से जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनाज़म किया गया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर AIKMS कायद जी गंगाधर ने कहा कि किसान गुज़िश्ता 50 दिनों से शदीद सर्दी के बावजूद एहतजाज करते आ रहे हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो देने या इनकी बात सुनने के लिए कतई तैयार नहीं है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ करवाए गए 3 नए ज़रई क़वानीन किसानों के मफाद के खिलाफ है, इससे ज़रई शोबा तबाही के दहाने पर पहुँचेगा। मुल्क का किसान तबाही, बदहाली और खसारे का शिकार बनेगा और इन ज़रई क़वानीन से सिर्फ मुल्क के कॉर्पोरेट खानदानों को ही फायदा हासिल होगा और मुल्क के सरमायादार किसानों पर मुसल्लित हो जाएंगे और ये मुल्क के मफाद के खिलाफ है। इसी तरह नया बिजली तरमीम बिल भी किसान मुखालिफ है, लिहाजा मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा है कि वो फौरन ज़रई क़वानीन को मनसूख कर दे और बिजली तरमीमी बिल से दस्तबरदारी अख्तियार कर ले। गंगाधर ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि मुल्क में एक बार फिर आज़ादी की तहरीक जैसी तहरीक शुरू की गई हो। मुल्क का किसान सड़कों पर है, वही खा रहा है और वहीं पर सो रहा है, मगर इसकी आवाज़ सुनने को हुकूमत तैयार नहीं है और ये सूरत हाल गैर जमहूरी है और मुल्क के मफाद के खिलाफ है। जरूरत है कि मरकजी हुकूमत किसानों की बात सुने और इनके मफादात का तहफ्फुज करे। इस मौके पर AIKMS के रियासती स्टेट सेक्रेटरी पी गंगाधर ने मजीद कहा कि किसान मुखालिफ ज़रई क़वानीन के ताल्लुक से बहुत जल्द अवामी शोर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इस सिलसिले में 18 जनवरी से जीप यात्रा शुरू की जाएगी। इस मौके पर IFTO कायदीन रवि, लक्ष्मण, मलेश नारायण, किरण और दिगर मौजूद थे। రైతులు హర్యానా, పంజాబీ, అట్లాగే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మన ఈ 3 చట్టాలు ఏదైతే మోడీ తీసుకొచ్చారో 3 చట్టాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ మీద మరి అక్కడ ధర్నాలు అనేక రూపాల కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. మన మోడీ మన చర్చల పేరుతోటి కాలాపనాలు చేస్తూ ఈ చట్టాలు రద్దు చేయాలని రైతులు డిమాండ్ పెట్టినా దానికి అంగీకరించకపోవడం
मेंडोरा के सड़क हादसे में हलाक होने वाले विनोद के अफराद खानदान की मदद के लिए बीएसपी के कायद सुनील कुमार आ गया है और उसकी बेटी के नाम 25,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट करवाया ताकि उसकी बेटी मुस्तकबिल में तालीम से बासानी आरास्ता हो सके। सुनील कुमार की हर गोशे से सताइश की जा रही है क्योंकि वो हमेशा लोगों की खिदमत के लिए सरगर्म रहते हैं। मेंडोरा मंडल मुस्तकर का रहने वाला माकुरी विनोद कुछ अरसे कबल एक सड़क हादसे में हलाक हो गया था। इसके पसमानदगान में उसकी अहलिया हर्षिता और बेटी वर्षिनी भी शामिल है। विनोद की मौत के बाद ये दोनों मियां बीवी शदीद माली दुश्वारियों का शिकार हो चुके थे। इसकी तहला बीएसपी के रियासती कायद एम सुनील कुमार को मिली तो उन्होंने इस खानदान की मदद का फैसला लिया, बिलखुसूस विनोद की कमसिन बेटी के मुस्तकबिल के लिए कुछ करने का फैसला लिया और विनोद की बेटी वर्षिनी के नाम से 25,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट करवाए ताकि मुस्तकबिल में वर्षिनी तालीम से हारास्ता हो सके और उसकी तालीम में किसी किस्म की रुकावट ना हो। एम सुनील कुमार ने यह चेक विनोद के घर पहुँच कर उसकी अहलिया के हवाले किया। सुनील कुमार की इस फारग दिलाना इमदाद पर विनोद की अहलिया ने इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया। सुनील कुमार हमेशा ही परेशान हाल लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। दो दिन कबल ही उन्होंने शदीद अलालत के बाद वफात पाने वाले साकली गंगाधर के मकान को पहुंचकर 10,000 रुपए की इमदाद हवाले की थी। इसके अलावा उन्होंने कई बीमार अफराद के मकान पहुंचकर इनकी इयादत की। सुनील कुमार एक हमदर्द मिजाज गरीब अफराद की फराग दिलाना मदद करने वाले कायद है। इनकी खिदमात की हर गोशे से सताइश की जा रही है। लॉकडाउन के दरमियान भी उन्होंने पैदल सफर करने वाले अफराद के लिए बसों का भी इंतजाम करवाया। इस मौके पर इनके हमरा सुनील युवा सेना के कई कायदीन मौजूद थे। नाज़रीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद रोडअप पर। ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक शोर बेदारी के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी T20 ऐप की तैयारी। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के अलावा दीगर आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर दाखिला ने अवाम से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने की अपील की। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुलिस कंट्रोल में मुनक्कदा एक अहम तकरीब में अवाम में ट्रैफिक शोर बेदारी के लिए पुलिस की जानिब से तैयार किए ऐप T20 का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार के अलावा दिगर पुलिस आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर दाखिला ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवारी लाजमी है, लेकिन बेशुमार लोग ट्रैफिक कवानीन से नावाकफियत की वजह से ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हैं। इस ताल्लुक से अवामी शोर बेदारी लाजमी है। ट्रैफिक पुलिस इस सिलसिले में हमेशा सरगर्म रहती है और मुसलसिल शोर बेदारी के प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं। रियासती वजीर आला ने ट्रैफिक शोर बेदारी और अवामी तहफ्फुज के लिए और ट्रैफिक महकमे को असरी सहूलतों से आरास्ता करने के लिए 700 करोड़ का खुसूसी फंड मख्तस किया है। इस तरह की कोशिश मुल्क की किसी रियासत में नहीं की और अब T20 ऐप के जरिए अवामी जानों के तहफ्फुज के लिए खुसूसी शोर बेदारी के काम शुरू किए जा रहे हैं। इससे अवाम को इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब रियासत में पुलिस फ्रेंडली पुलिस की खिदमात अंजाम दे रही है। हमारी पुलिस 24 घंटे सरगर्म रहती है और आम अवाम की दोस्त बनकर काम करती है, मगर गैर समाजी अनासिर के लिए पुलिस का रवैया इंतहाई सख्त होगा। मोहम्मद महमूद अली ने अवाम से एक बार फिर ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल आवारी करने की अपील की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने भी खिताब किया। मैं अपनी गाड़ी रोकता था, उसे पूछता था क्या बात है, तो बोलता नहीं साहब किसी को पकड़ के लाया है, वो हमारे लीडर का इंतजार कर रहे हैं। लीडर आया तो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते थे। अब तो फ्रेंडली पुलिस ऐसी है, आप बिना झिझक पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, आपके साथ पूरा रिस्पेक्ट दिया जाता है और आपसे प्यार से बात की जाती है। डंडे का इस्तेमाल नहीं करते, प्यार से मोहब्बत से जबान का इस्तेमाल करते हैं। आज पब्लिक में भी काफ़ी अवेयरनेस आ चुका है, लोग चाहते हैं कि पुलिस उनके साथ हेल्प करे, अच्छी बात करे। मसाइल सबको आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत कभी भी इमरजेंसी में पड़ सकती है और पुलिस डिपार्टमेंट हमारा तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा पुलिस आपकी मदद के लिए, अवाम की मदद के लिए। तो 2021 की ये फर्स्ट प्रोग्राम होगी ट्रैफिक डिपार्टमेंट तरफ नीचे। మీ అందరికీ తెలుసు ట్రాఫిక్ ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే ఒక సిటీలో 100% సిటిజన్స్కి ఇంపాక్ట్ ఉంది ట్రాఫిక్ పైన. ట్రాఫిక్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వింగ్, మోస్ట్ విజిబుల్ వింగ్ ఆల్సో. అఖాఫీ
जायदादें अल्लाह की अमानत है और ये जायदादें हमेशा ही औकाफ की होती है। औकाफी जायदादों की जाली रजिस्ट्रियों को मनसूख करवाया जाएगा और इन जायदादों को वापस हासिल किया जाएगा। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बयान। उन्होंने मजलिसी अराकीन असेंबली के हमरा कारवान में औकाफी जायदादों का जायजा लिया। चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज हल्के असेंबली याकूतपुरा के MLA व जनरल सेक्रेटरी मजलिस अहमद पाशा कादरी और कारवान MLA कौसर मुहिद्दीन के हमरा हल्के असेंबली कारवान में मौजूद औकाफी जायदादों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बेशतर औकाफी जायदादों और अराजियों पर कब्जे हो चुके हैं और बेशतर ने जाली दस्तावेजात बना लिए हैं, लेकिन इस सिलसिले में महकमे वक्फ बोर्ड खामोश नहीं रहेगा बल्कि इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी और औकाफी जायदादों और इमलाकों की बाजियाबी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने दौरा इसलिए किया है के सूरत हाल का जायजा लिया जाए। इस दौरे में महकमे औकाफ के अलावा रेवेन्यू, पुलिस और दिगर महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। मोहम्मद सलीम ने कहा कि औकाफी जायदाद हर हाल में औकाफ की ही रहती है। अगर कोई जाली रजिस्ट्री करवा कर खुश होता है तो ये उसकी आरजी खुशी होगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड इन जाली रजिस्ट्रियों को मनसूख करवाएगा और ऐसे जाली दस्तावेजात करवाने वाले अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि औकाफी जायदादों की निशानदेही के लिए 27 जनवरी को महकमे औकाफ, रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड का मुश्तरका सर्वे करवाया जाएगा और औकाफी अराजियों की निशानदेही पर ठोस कार्रवाई करते हुए औकाफी जायदादों को वापस हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में इनको रियासती हुकूमत के अलावा मजलिसी कायदीन का भी भरपूर ताउन हासिल है। दौरा हुआ, हम लोग लंगर हाउस भी गए, वहाँ पर भी जो है कई लोग कब्जे करे हुए है, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं कब्जे करे हुए है, कोई इंडोमेंट किए हुए कोई कुछ है। तो हम लोग जो है 27 तारीख को सर्वे रखे, 27 तारीख को जॉइंट सर्वे रहेगा, रेवेन्यू ऑफिसर और इंडोमेंट और हमारे वक्फ बोर्ड के सर्वेयर वगैरह सब इसको सर्वे करके हमारी जो जगह है बराबर हम हासिल करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती, फिलोखत खुश हो जाने का रहता। टेम्पररी कब्जे करके हम कब्जा का मतलब डुप्लीकेट भी डॉक्यूमेंट बना लिए, अभी तक हम लोग 100 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, तो आने वाले टाइम में भी अगर कोई भी डुप्लीकेट पेपर बना के रजिस्ट्रेशन भी करे तो हम क्रिमिनल केसेस बुक करेंगे और हम लोग जो है ना छोड़ेंगे नहीं। वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रही थी। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। डिवीजन 160 में मेयर बल्दिया के हाथों CC सड़क और ड्रेन के कामों का आगाज। उन्होंने कहा कि MLA के टाउन से तरक्याती काम तेज रफ्तारी से जारी है और शहर को जल्द ही खूबसूरत बनाया जाएगा। D54 किनाल से पानी की निकासी एक संगीन मसला थी, इसमें मौजूदा कब्जों को बर्खास्त करवाया गया। जल्द ही रेलवे लाइन के कलवट की तौसी की जाएगी और मसले की एक सीढ़ी होगी। कमिश्नर बल्दिया का बयान। अरसापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर में COVID-19 वैक्सीनेशन का आगाज। मेयर बल्दिया ने टीका अंदोजी का जायजा लिया, कहा कि अवाम को खतरा से नजात मिलेगी और अवाम में मौजूदा खौफ हरास का खात्मा होगा। रियासती वजीर दाखिला के हाथों ट्रैफिक पुलिस के T20 ऐप का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए अवाम की शोर बेदारी की जाएगी और ट्रैफिक कवानीन की अहमियत को उजागर किया जाएगा। तो ये थी खबरों की तफसील, मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।